जी हाँ, रियल ट्रेंडिंग स्टार कोई है भोजपुरी में तो वो है खेसारी लाल यादव। आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आप सभी का अपना चैनल दया शंकर ओझा। फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। लेकिन उससे पहले आपका भाई रिक्वेस्ट करेगा चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने खेसारी लाल जी से जुड़ा हुआ लिंक डाल दिया है, जाकर प्लीज़ चैनल को फॉलो कर देना, एक बार न्यूज़ जरूर देख लेना। जी हाँ, खेसारी लाल जी का गाना आता है तेरे मेरे दरमियाँ, और गाना आते ही कल ही ट्रेंडिंग पे चला गया। जी हाँ, ट्रेंडिंग 15 पे आया, फिर 8 पे आया, ऐसे करके फिर 3 पे आया, आखिर तक ट्रेंडिंग 2 पे चला गया। जी हाँ, ट्रेंडिंग कैटेगरी के म्यूज़िक सेक्शन में 2 पर ट्रेंड कर रहा था। तो आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव जी का तो मोस्टली गाना ट्रेंड करता ही है, लेकिन इस गाने से बहुत उम्मीदें थी और ये गाना उम्मीद पर खड़ा उतरा। और खेसारी लाल यादव जी ने अलग लेवल का काम किया है, ऐसे लेवल का काम कि दूसरे को सीख देता है, दूसरे स्टार्स को सिखाता है कि आप लोग इस टाइप से काम करें तो भोजपुरी आगे बढ़ सकती है। और शायद इस लेवल का काम भोजपुरी में आज तक नहीं हुआ, भोजपुरी में आज तक हुआ ही नहीं है कोई भी गाने में। चाहे कितना भी पवन सिंह जी भी बॉलीवुड के में काम किए हों, लेकिन इस लेवल के वीडियो नहीं बना है। और जो तरीके से खेसारी लाल जी का एक्टिंग है, ऐसा लग रहा है कोई बड़े लेवल का बॉलीवुड एक्टर एक्ट किया है। और जिस तरीके से मजे हुए एक्टर है खेसारी लाल यादव, कल उन्होंने प्रूफ कर दिया भली भांति कि खेसारी लाल जी सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनर ही नहीं, एक बहुत अच्छे एक्टर भी है। इतनी अच्छी एक्टिंग करेंगे कोई सोचा भी नहीं था। लास्ट सीन देखने के बाद इतना अच्छा लगा मुझे। गर्व करता हूं कि खेसारी लाल यादव जैसे स्टार है भोजपुरी में, जो कि भोजपुरी को बड़ा करने के लिए अपने एरी चोटी का बल को झोंक दिए हैं। लेकिन मैं क्या करूं, कुछ ऐसे गद्दार भी यहां पे हैं जो हमेशा ही खेसारी लाल जी की टांग खिंचाई करते हैं। उनके पास तो कोई टॉपिक ही नहीं है, तो क्या करेंगे। चलिए, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, जो करना है करें। लेकिन इतने लोग जो खेसारी लाल जी के सपोर्ट में है ना भाई, देखकर गदगद हो जाता है दिल। उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा गाना। कल गाना आपने तो सुना ही होगा, कहां से गाना सुना है, कौन से जिला से सुना है, कौन से गांव से सुना है, मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं देखना चाहता हूं कि कल कौन कौन से जिला में तेरे मेरे दरमियां गाने की गूंज उठी है। तो वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।